तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति भुगतिया त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो अभी का सीन को जैसे आज की वीडियो हम घर से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से अभी मंदिर। साल का पहला त्यौहार है, सारे मंदिरों में पूजा पाठ वगैरह होगी। उसके बाद चमुथान हो गया, सैनुथान हो गया, कौथान जितने भी हैं सभी जगह पख वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद सभी लोग पख वगैरह का प्रसाद वगैरह मिलेगा सबको। उसके बाद फिर यहाँ से सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो उसके बाद मेरे को भी जाना है सित्ता के। कल बाइक की चैन भी थोड़ा ख़राब हो रही, चैन वगैरह ठीक करवानी है। बाइक की हालत भी ख़राब हो रही, थोड़ा बाइक भी साफ़ कर लेते हैं। तो यार, अभी मैं निकल गया हूँ घर से। आपने देखा होगा किस तरीके से मंदिर में पूजा पाठ वगैरह होती है, प्रसाद वगैरह कैसे छूटते हैं, कैसे कहते पखो वगैरह चढ़ता है। उसमें क्या होता है कि आटा हो गया सभी के घर से, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आटा वगैरह बेचते हैं मंदिर के लिए चढ़ाने के लिए। और तेल वगैरह, घी वगैरह, सब गुड़ बदास वगैरह इस टाइप से आते हैं, तो उसको सब मिक्स करते हैं। उसके बाद बनाना होता है प्रसाद उसको। उसके बाद सभी मंदिरों में चढ़ता है, उसके बाद सभी के घर के लिए वो प्रसाद सभी अपने अपने घर को ले जाते हैं। जब पूजा वगैरह हो गई तो उसके बाद मैं भी निकल गया हूँ सित्ता गेट के लिए। मुझे जाना है कहीं, तो मैं निकलता हूँ फटाफट से। मैंने देख ही लिया होगा, अगर यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल चल रहे हैं अभी रोड के आने पीछे, ऐसी वीडियो होगी। बाकी मौसम अभी सामने से हिमालय वगैरह तो दिख रहा था, लेकिन अभी अभी सब बादल बैठ गए हिमालय में। मैं आया था जहाँ से डेली मैं जाता हूँ, इस रास्ते में आगे को जाता हूँ मटीला के लिए। तो अभी मुझे एक जगह के बारे में पता चला कि जो रास्ता दिख रहा है आपको पतला सा, नीरज बता रहा था कि रास्ते में आगे जाके एक अच्छा सा व्यू पॉइंट टाइप का है। तो अभी चलते हैं वहाँ, देख के आते हैं। अगर बाइक जाने का तो मुझे लग नहीं रहा रास्ता जाएगा, बाइक जाएगी उस रास्ते में, तो पहले जाते हैं। अगर बाइक जाएगी तो बाइक लेके जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा सीन है आगे। तो यहाँ पे तक लाए हम बाइक, उससे आगे का तो रास्ता एकदम जंगल सा ही है। इसमें आ तो जाएगी, लेकिन वापसी का फिर पता नहीं कैसा सीन रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। एक पत्थर वगैरह दल वगैरह तो दिख रहे हैं यहाँ से, नीचे को काफ़ी डाउन है, तो देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है। नीरज बता रहा था कि काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कैसा है सीन है। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर से, और कुछ ऐसा नज़ारा है देख सकते हो, इतने सारे दल ही दल हैं पत्थर, एकदम तिरसे पत्थर हैं। फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन रिस्की भी बहुत है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नीचे है खाई। और ये सामने के नज़ारे देखिए यहाँ से, उधर तो सब कोहरा वोरा ला, धुंध टाइप की छवि है। तो वैसे ये दिख रही है यहाँ से कागरी घाट खैरना वाली रोड, हल्द्वानी वाली जो रोड है ये सामने दिख रही है नदी वाली। और ये सामने में है सड़का, इधर बेड़ गाँव हरेड़े हो गया, और ये हो गया तुम्हारा गड़शारी, ये उधर सूरी, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर से। कैसी है जो नदी है, आप मुझे भी बता सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे को आ रही है या नीचे से ऊपर को जा रही है। ये जो नदी है ऐसे यहाँ से देखने में लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे को आ रही है, नीचे की तरफ आ रही होगी इस तरफ को, यहाँ पर भी बता दे कोसी नदी है। तो ये है कोसी नदी है, और ये खैरने कागरी घाट से खैरना की तरफ जा रही है। ऐसे यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे को आ रही होगी, लेकिन नीचे को नहीं आ रही, यहाँ से जा रही है रामनगर की तरफ को, कोसी नदी है। तो वह सब चल रहे हैं यहाँ से सितना खेत के लिए। देख लिया हमने कुछ यहाँ से जो जगह बताई थी, वो जगह रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी हुई है, लेकिन वो बहुत आगे है, वहाँ तक अभी हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जंगल का ऐसा टाइम भी हो रहा है, 3:30 हो गया है, तो अभी देर हो जाएगी। तो अभी उसके लिए फिर हम कभी आएंगे, तो फिलहाल अभी चलते हैं। अभी हम यहीं से आए थे तो रोड अंदर को कट रही थी, रास्ता रोड नहीं रास्ता है, तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं कैसा है। तब आए तो यहाँ पर एक दल वगैरह है, और यहाँ से नीचे को बहुत गहरा है, मतलब खाई टाइप की है। और सामने का भी मैंने आपको दिखाया कैसा है यहाँ से, ये का कोसी नदी, कागरी घाट खेलने वाली जो रोड पड़ी है वो भी दिखती है यहाँ पर से, और नीचे के आसपास के सारे गांव दिखते हैं। तो अभी धूप की उससे एक उधर का सामने बना व्यू भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, कोहरा वगैरह भी लगा इसलिए भी दिखा। तो पहुँच गए हैं बाइक के पास, फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे को।
ये छपरी यूट्यूबर, ये देखो छपरी कैमरामैन और ये दो छपरी यूट्यूबर, इनने परेशान करके रखा है।